नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 43 नगर पालिकाएं और परिषद भंग एसडीएम के सुपरविजन में करेंगी कार्य। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि 43 नगर पालिकाओं परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर उन्हें भंग कर दिया है तथा सभी में प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है। प्रशासक के तौर पर सभी जगह एसडीएम को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। भंग की गई म्युनिसिपल काउंसिल में फतेहाबाद, समालखा, फिरोजपुर, झिरका, पुनहाना, गोहाना, असंध, होडल, पलवल, सोहाना, तरावड़ी, निसिंग, चीका, मंडी, डबवाली, चरखी दादरी, झज्जर, महम, रानिया, जिंद, कैथल, राजौंद, पेहवा, थानेसर, हांसी, कालावली, उचाना, बहादुरगढ़, नरवाना, टोहाना, महेंद्रगढ़, लाडवा, शाहबाद, सफीदो, घरौंडो, घन्नौर, भूना, बावल, एलनाबाद, नांगल, चौधरी, नारनौल, नूह, नारायणगढ़, रतिया व बरवाला शामिल है। पानीपत नगर निगम का मुख्य सफाई निरीक्षक 13.70 लाख की रिश्वत लेता पकड़ा गया। हरियाणा विजिलेंस के रोहतक ब्यूरो की टीम ने डीएसपी नरसिंह की अगुवाई में पानीपत नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षक सुधीर को सोमवार की देर शाम को लाल बत्ती चौक पर पार्वती इंटरप्राइजेस के संचालक कृष्ण हुडा से 13.70 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी सुधीर सेवानिवृत्त हो चुका है। स्थानीय निकाय विभाग ने सुधीर को 2 साल का एक्सटेंशन दिया था। सुधीर हमेशा सत्तारूढ़ दल के नेताओं व स्थानीय निकाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के करीब रहा और अधिकतर समय पानीपत में ही सफाई निरीक्षक के पद पर काम किया। हरियाणा में 1 जून से खुलेंगे स्कूल। रोस्टर प्रणाली से बुलाए जाएंगे स्टाफ, शिक्षकों को करने होंगे ये काम। ग्रीष्मावकाश समाप्ति के बाद 1 जून से सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं। हालांकि स्कूल खुलेंगे लेकिन विद्यार्थी 15 जून तक स्कूल में नहीं आएंगे। वहीं शिक्षा विभाग ने इस दरमियान आधा स्टाफ बुलाने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के मुताबिक आधे शिक्षक सोमवार, बुधवार व शुक्रवार व दूसरे आधे अध्यापक बाकी बचे 3 दिनों में स्कूल में पहुँचेंगे। इस दौरान विभाग ने सभी स्कूल मुखिया व टीचरों को बच्चों के रिजल्ट के प्रति तैयार करके 8 जून तक बच्चे के घर पहुँचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल के साथ जोड़ने तथा अगली क्लास में पहुँचने वाले बच्चों की किताबें लेकर कनिष्ठ बच्चों को दिए जाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरत जाने के लिए कहा गया है। बंगाल युवती से रेप, एक और युवती को थाने में बुलाकर कई घंटे की पूछताछ। बंगाल युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में एक तरफ जहां पुलिस की टीमें आरोपितों की तलाश में लगी हैं, तो वहीं पूछताछ के लिए लोगों को भी लगातार थाने में बुलाया जा रहा है। आंदोलन में शामिल रही एक और युवती को सोमवार को थाने में बुलाया गया। कई घंटों तक युवती से पूछताछ की गई। दरअसल अप्रैल माह में एक बंगाली युवती टीकरी बॉर्डर पर आई थी। अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में उसकी तबीयत बिगड़ गई। कोरोना से संक्रमित युवती ने 31 अप्रैल को दम तोड़ दिया था। अवैध निर्माण ढहाने पर हंगामा, लोगों ने नप अधिकारियों पर किया पथराव, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। हाथीखाना मंदिर के पास जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को हटाने गए नप अधिकारियों पर लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस बंदोबस्त के बावजूद लोगों ने अधिकारियों से भी हाथापाई की। कई घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। पथराव करने वालों पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने बिगड़ते हालात पर काबू पाया। अब नगर परिषद की ओर से पथराव व हाथापाई करने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करवाया गया है। हरियाणा में सोमवार को 3671 लोग हुए ठीक, इतने मिले नए केस। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम होने लगी है, जो प्रदेशवासियों के लिए राहत की बात है। सोमवार को प्रदेश में 1246 नए केस मिले और 82 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3671 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 96.45% पर पहुंच गया। प्रदेश में अभी 18,580 एक्टिव केस हैं। अब तक कुल 7,56,635 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,29,752 लोग ठीक हो चुके हैं और 8,303 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 57,12,100 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं बात करें कहां पर कितने केस मिले। सोमवार को गुरुग्राम में 112 केस, फरीदाबाद में 102, सोनीपत में 49, हिसार में 100, अंबाला में 52, करनाल में 58, पानीपत में 60, रोहतक में 23, रेवाड़ी में 38, पंचकुला में 64, कुरुक्षेत्र में 28, यमुनानगर में 97, सिरसा में 118, महेंद्रगढ़ में 23, भिवानी में 52, झज्जर में 47, पलवल में 28, फतेहाबाद में 65, कैथल में 36, जींद में 64, नूह में 12 और चरखी दादरी में 18 केस मिले। हरियाणा के इन 2 शहरों को बिना किट बिजली देकर बनाया जाएगा इन्वर्टर मुक्त।
बैठक के उपरांत बिजली मंत्री ने बताया कि बैठक में गुरुग्राम और पंचकुला को निर्बाध बिजली देने के विषय पर हो रहे कामों की भी समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि हमने पहले इन दो शहरों को मॉडल के तौर पर बिना किसी कट के बिजली देने और इन्वर्टर मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारा प्रयास है कि बिजली के कट जिन कारणों से लगते हैं उन्हें एडवांस में दूर किया जाए ताकि बिना कट व अबाधित 24 घंटे बिजली मिल सके। इसमें चाहे खराब ट्रांसफार्मर, बिजली की तारें, पेड़ आदि की समस्याएं हैं, उन सभी को एडवांस में ठीक रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि जून जुलाई के महीने में तेज आंधी और बारिश के खराब खंभे ज्यादा टूटते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम मनोहर लाल, हरियाणा में कोविड वैक्सीन के कम स्टॉक समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रमुख रूप से कोरोना महामारी से जुड़ी जानकारी पीएम को दी। उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। हरियाणा में कोविड-19 की वैक्सीन के कम पड़ रहे स्टॉक व ब्लैक फंगस की दवाइयों की आवश्यकताओं के बारे में भी अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री को हरियाणा में किसान आंदोलन की स्थिति के बारे में भी अवगत करवाया। अब लगातार कम होती जा रही है ऑक्सीजन की खपत। नागरिक अस्पताल में ज्यों ज्यों कोविड मरीजों की संख्या कम हो रही है वैसे वैसे ऑक्सीजन की खपत भी लगातार कम होती जा रही है। 2 सप्ताह पहले तक नागरिक अस्पताल में 2.5 टन ऑक्सीजन की खपत प्रतिदिन हो जाती थी, वहीं अब यह घटकर 1.5 टन रह गई है। ऐसे में अब जिले में ना तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी रही और ना ही इसकी कमी। अस्पताल में मरीज कम होने के कारण स्वास्थ्य विभाग को भी काफ़ी राहत मिली है। बिजली मंत्री ने किसानों को दी यह बड़ी राहत। हरियाणा के बिजली मंत्री रणदीप सिंह ने कहा कि किसानों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने 7 नई मोटर बनाने वाली कंपनियों को पैनल में शामिल किया है। अब हरियाणा के किसान 8 कंपनियों में से किसी से भी मोटर खरीद सकते हैं। पहले हरियाणा में केवल एक ही कंपनी को सरकार ने मोटर बेचने का अप्रूवल दे रखा था। अगस्त तक हरियाणा के सभी ट्यूबवेल कनेक्शन आवेदकों को मंजूरी दे दी जाएगी। 16 जुलाई तक सिरसा और फतेहाबाद के सभी आवेदकों को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। सुषमा स्वराज की बेटी समेत 85 कानून अधिकारियों का हरियाणा सरकार ने अनुबंध बढ़ाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज समेत 85 कानून अधिकारियों का हरियाणा सरकार ने 1 साल के लिए अनुबंध बढ़ा दिया है। हरियाणा के पूर्व डीजीपी केपी सिंह की पत्नी दीपा सिंह का नाम अनुबंध की नई सूची में शामिल नहीं है। बांसुरी स्वराज के सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता के तौर पर पैरवी करती हैं, जबकि दीपा सिंह हरियाणा से पहले पंजाब में भी अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर काम कर चुकी हैं। हाईकोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों पर हरियाणा सरकार की ओर से उन्होंने पैरवी की। भूपेंद्र हुड्डा का तंज, सीएम मनोहर लाल के पास मेरे सवालों के जवाब नहीं, इसलिए पत्र का जवाब नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि आज कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन सरकार को अभी से संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के बाद जोर देना होगा। इतना ही नहीं, कोरोना के बाद की स्थितियों को संभालने के लिए भी अभी से योजना बनानी होगी, क्योंकि महामारी के साथ महंगाई, मंदी, गरीबी और बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 45.1% पर पहुंच गई है, यानी प्रदेश का हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है। इसलिए कोरोना के दौरान जिन लोगों के काम धंधे चौपट हो चुके हैं, सरकार को उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत, खेलने के लिए मछली पकड़ रहे थे। गांव फरल में गुरु रविदास मंदिर व फल्गु तीर्थ के पास स्थित तालाब के पास खेल में 2 बच्चों के डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। 11 वर्षीय प्रिंस व 6 वर्षीय आयुष रविवार दोपहर को जोहड़ के पास खेल रहे थे। प्रिंस व आयुष जोहड़ के पास पहुंचे तो उन्हें मछली के बच्चे तैरते दिखे। मछली के बच्चों को पकड़ने के लिए दोनों बच्चे अपने अन्य 2 साथियों के साथ जोहड़ में चले गए। 1.5 करोड़ रुपए गबन के आरोप के बाद लापता हेल्थ इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल। पंजाब में नहर किनारे मिली कार व मोबाइल। कोरोना महामारी के दौरान मास्क ना पहनने वालों के चालान काटने वाले हेल्थ विभाग के इंस्पेक्टर का एक वायरल वीडियो ने सिरसा के नागरिक अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। हेल्थ इंस्पेक्टर ने इस वीडियो में सिविल अस्पताल के 2 डॉक्टरों व एक अकाउंट ऑफिसर पर उसे बेवजह परेशान करने का भी आरोप लगाया है। वीडियो में इन तीनों पर ही प्रताड़ित करने, चार्ज लेने व झूठा केस दर्ज करवाने के साथ ही जीवन का अंत करने की बात भी कही गई है। वीडियो के बाद हेल्थ इंस्पेक्टर का अब तक कोई पता नहीं चला। हालांकि पंजाब में नहर किनारे इंस्पेक्टर की गाड़ी उसमें मोबाइल जरूर पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। परिजन भी पंजाब के लिए रवाना हो गए हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर पर चालान राशि के 1.5 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप लगा है। गोलियों से गूंजा सोनीपत। कुछ दिन पहले जमानत पर आए युवक की 13 गोली मारकर हत्या।
राई थाना क्षेत्र के गांव कुमासपुर में भाई की हत्या का बदला लेने के लिए बाइक सवार हमलावरों ने सरकारी स्कूल में बैठे युवक की ताबड़तोड़ 13 गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गया। मृतक के पिता ने गांव के युवक व उसके ममेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही है। हमलावरों का शिकार हुआ युवक हत्या समेत 7 मामलों में नामजद था और कुछ दिन पहले ही जमानत पर आया था। 5 को सभी सांसदों व विधायकों के आवासों पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का ऐलान। किसान सभा का लघु सचिवालय पर चल रहा धरना सोमवार को 35वें दिन में प्रवेश कर गया। धरने की अध्यक्षता राजीव पातड़ व बुद्धराम ग्राम प्रधान खासा महाजन ने संयुक्त रूप से की। धरने का संचालन जिला सचिव सतबीर घायल ने किया। जिला प्रेस सचिव सूबे सिंह बूरा ने बताया कि किसान 35 दिन से लघु सचिवालय पर उपरोक्त मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों का हजारों करोड़ रुपये का भुगतान आज तक नहीं हुआ। एक तरफ सरकार किसानों को 7 दिन में भुगतान करने का वादा करती है, परंतु किसानों की फसल लेने के बाद अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। किसान सभा जिले के प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार ने कहा कि 5 जून को संयुक्त किसान मोर्चा ने नेतृत्व में जिला के प्रत्येक विधायक व सांसदों के आवास पर 3 काले कानूनों की होली जलाएगी। बढ़ सकती हैं सुशील की मुश्किलें, पेशेवर अपराधियों से भी पूछताछ। काली जठेड़ी, नीरज बमाना और असौदा समेत कई गैंगस्टरों से लिंक। सागर धनखड़ मर्डर केस में फंसे सुशील कुमार की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस और उसके अपराधियों के साथ कनेक्शन के लिंक को खंगालने में लगी हुई है। इस सिलसिले में स्पेशल सेल ने अलग अलग राज्य की जेलों में बंद खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, संपत मेहरा, जग्गू भगवान, पूरिया व राजू बसोदी से रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ भी की। यह इसलिए ताकि उनसे सुशील से संबंधों का पता लगाया जा सके। प्रश्न पत्र के प्रारूप के साथ ना हो समझौता, ऑन डिमांड करवाई जा सकती है परीक्षा। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर मंथन चल रहा है। विद्यार्थी, अभिभावक, स्कूल प्राचार्यों से लेकर अधिकारी और मंत्री सब दुविधा में हैं कि आखिर परीक्षा हो कैसे, परीक्षा का प्रारूप क्या हो और प्रश्न पत्रों का प्रकार कैसा हो। कोई बहुविकल्पीय प्रश्नों से परीक्षा का सुझाव दे रहा है तो कोई पाठ्यक्रम कम करने और कोई परीक्षा का समय कम करने के पक्ष में है। एक वर्ग ऐसा भी है जो कि परीक्षाएं ही नहीं करवाना चाहता। विशेषज्ञों की माने तो हम अगर परीक्षाओं के प्रारूप के साथ किसी भी तरह का समझौता करते हैं तो देश की इस भावी पीढ़ी को पंगु कर देंगे। परीक्षा किस आधार पर, किस समय और किस प्रकार से करवाई जानी चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है। कुरुक्षेत्र में संदिग्ध हालत में फंदे पर लटका मिला 70 साल की महिला का शव। बेटी ने अपनों पर ही लगाया हत्या का आरोप। कुरुक्षेत्र में एक 70 साल के बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला का शव सुबह 6 बजे घर में फंदे पर लटका मिला। अब उसकी बेटी ने हत्या की आशंका जताई है। बेटी ने अपने ही भाई, भाभी, चाचा और नौकरानी पर आशंका जाहिर की है। आरोप है कि भाई ने मां के साथ मारपीट की थी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को मोर्चरी में भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। खट्टर के ड्रामा वाले बयान पर केजरीवाल ने किया पलटवार। रणदीप बोले सद्बुद्धि की कामना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें खट्टर ने वैक्सीन के नाम पर ड्रामा करने की बात कही है। केजरीवाल ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि खट्टर साहब, वैक्सीन से ही लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्द वैक्सीन लगेगी उतने लोग सुरक्षित होंगे। मेरा मकसद वैक्सीन बचाना नहीं, लोगों की जान बचाना है। ऑड इवन नंबर बना, प्रशासन के गले की फांस। बढ़ रहा व्यापारियों में रोष। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों कोरोना महामारी के चलते ऑड इवन के तहत दुकानें खोलने के आदेश प्रदेश सरकार ने दिए थे। रविवार के दिन ऑड इवन में दुकानें खोलने में गड़बड़ी होने के कारण आज दोनों तरफ की दुकानें खुल गईं, यानी ऑड व इवन दोनों की, जिसकी वजह से बाजार में भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। SDM व DSP ने मौके पर पहुंचकर फॉर्मूले के तहत दुकानें खुलवाईं व बंद करवाईं। किसानों द्वारा वैक्सीन न लगाने पर बोली दुग्गल, आंदोलन के साथ स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी। कृषि कानूनों को लेकर पिछले 6 माह से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों द्वारा कोरोना वैक्सीन न लगवाए जाने की घोषणा पर सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने प्रतिक्रिया दी है। दुग्गल ने कहा कि आंदोलन अपनी जगह पर है, आंदोलन के साथ स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी है। आंदोलन भी तभी होगा जब स्वास्थ्य ठीक होगा। एंटी नारकोटिक्स पुलिस ने 500 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी, 2 युवक गिरफ्तार। पकड़े गए युवकों की पहचान भंवरलाल व अमरा राम निवासी करवाड़ा जिला जालौर के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके खिलाफ आबकारी अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। फर्जी CBI इंस्पेक्टर ने थाने में पहुंचकर पुलिस कर्मचारियों को धमकाया, देखें फिर क्या हुआ।
सदर थाना सफीदों में सीबीआई इंस्पेक्टर बनकर पुलिसकर्मियों को धमकाने तथा रोप झाड़ने वाले फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर निकला। पुलिसकर्मियों ने फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर के नकली पिस्तौल तथा आई कार्ड को कब्जे में ले धोखाधड़ी, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, फर्जीवाड़ा का सहारा लेने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया, जहाँ से अदालत ने आरोपित को एक दिन के लिए रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपित से अन्य वारदाताओं के बारे में जानकारी जुटाएगी। राहुल गांधी के बयान पर भड़के अनिल विज, बोले अपनी पार्टी की चिंता करें। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की छवि बनाने के लिए भाजपा का कोई भी मंत्री कुछ भी बोल सकता है, पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भड़क गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वह अपनी पार्टी संभालें और ये बताएं कि कमलनाथ क्या बोल रहे हैं। विज ने कहा कि भाजपा का कौन नेता क्या बोल रहा है, इस बात से राहुल गांधी को क्या लेना है। राहुल अपनी पार्टी की चिंता करें। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।